अच्छा खैर है, दस पिछले पांच मिनट से मैं जो ना ये भी छोटी सी बच्ची है। अम्मी एक चीज ना आपको कल पता चलेगी। अभी मैं धोने लगी हूँ कपड़े, बहुत ज्यादा हो रहे हैं और साथ ही मेरे दो ब्लैंकेट भी वॉश करने हैं। अभी वॉशिंग मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर, तभी डाल दी यहाँ पर। मैंने कपड़े डाल लिए हैं, तभी चलते हैं नीचे बाकी कपड़े भी धोते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं और सारे कपड़े मैंने डाल लिए हैं। जगह नहीं बची और एंड में रह गई ये वाला बैग जो कि मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं जिम, अभी से भी डालते हैं। ये जगह बेस्ट रहेगी, यहाँ पर ये आराम से लटका रहेगा और ये जल्दी सूख भी जाएगा। बाकी रहते हैं दो ब्लैंकेट। अभी वॉशिंग मशीन को वॉश करते हैं। वॉशिंग मशीन को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, सबसे वॉश करते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर सॉक्स भी मैंने डाल दिए क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी सॉक्स डालने की, तो मैंने सोचा यहीं पर ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट भी डाल दिए और आगे चेयर्स और स्टूल रख दिया ताकि ये ब्लैंकेट गिर ना जाए, और ज़्यादा साइड जैन की छत पर किए, थोड़ी साइड जैन उस साइड पर किए ताकि अगर गिरे भी थी तो छत पर गिरे चे ना गिरे। तो अभी हमारे कपड़ों वाला काम हो चुका है ख़त्म। वॉशिंग मशीन वॉश करके मैंने वॉशिंग मशीन को इसकी जगह पे पहुंचा दिए, तो अब यहाँ से लगा के झाड़ू सफाई करते हैं यहाँ की। तो यहाँ से मैंने सफाई कर ली है, टब से और बाल्टी को मैंने वॉश करके रख दिए। Few moments later. तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले ना ये रोने लग गई और छत पे थी, और मैं अभी ऑफिस से आया हूँ गाइज, तो मुझे बदले छत पे मैं आया देखने। तो ये मोहतरमा जो ना देखो इधर देखो, अभी थोड़ा बहुत जो है ना इसको फनी बातें करके मैंने हंसा है। मैंने कब से छत पे हो? अभी आई हूँ। क्या हुआ, पापा की याद आ रही है? हाँ अच्छा खैर है, चलेंगे ठीक है, बहुत जल्द चलेंगे। अच्छा अब यहाँ से ले गए हैं फ़ौरन से, दस पिछले पाँच मिनट से ना मैं इसे चुप करा रहा था। अब पहले कैमरा खोला था ना सही था, अब स्माइल तो आया, यहाँ से छुपाने लग गई जैसे कैमरा खोला। अच्छा इधर इधर ले चलूँगा ठीक है। अच्छा चलो अभी खामोश चलेंगे ठीक है तो गाइज यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं पतंगे उड़ रही हैं। पतंग उड़े उड़े पतंग उड़ाई कभी जिंदगी में? हाँ पतंग नहीं उठाई, पतंग बना के उड़ाई। पतंग बना के उड़ाइए, पतंग बनाने आती है? सही टैलेंटेड हो यार आप। हाँ पापा ने सब कुछ सिखाया। अच्छा पापा ने सब कुछ सिखाया, चलो भाई पतंग उड़ाएंगे हम भी, यहाँ से भी उड़ रही है मेरे ख्याल से, आवाज़ आई है। फिलहाल गाइज एक ही पतंग उड़ रही है मेरे ख्याल से, कल दूसरी पतंग उड़ेगी वो मैं और फातिमा उड़ाएंगे ठीक है। अच्छा बस आ जाओ चलो अभी चलो नीचे चलते हैं बैठते हैं ठीक है। आ जाओ चलो बैठा, चलो आ जाओ, चलो चलो हाथ पकड़ो मेरा, ये आंसू जो ना हाथों पे भी लगे हुए हैं आपके, इतने कीमती आंसू हैं, ये जेवर है, आंसू नहीं है जेवर है। आ जाओ नीचे चलो। चलें जी मैं ऑफिस से आया था अभी और मैं रूम में गया ना, मैंने देखा कहाँ भी, फिर मैं ऊपर आया डायरेक्ट, बैग भी हालांकि मैंने पहना हुआ है। तो अभी नीचे चलते हैं चाय बना के पीते हैं। चलो मैं चाय बना के पी, आज मैं चाय बना के पिलाऊंगा आपको ठीक है? नहीं मैं बना के देता हूँ। आ जाओ चलो 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 फेंक दो टिशू। चलें जी अभी चलते हैं नीचे। तो गाइस जैसे घर आए ना मुझे सरप्राइज मिला, पंजाब से आई हुई खाला, तो खाला से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहू से मिली अपनी? हाँ मिली है। अच्छा और कैसी हैं? सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। ताशिफ आसिफ राशिद सब कैसे हैं? सब ठीक है, सब देख रहे होंगे, सबको जो है ना बता दीजिए कि आप पहुंच गए सही सलामत। चलें तो जी चाय बन गई है, ये लें आप अपनी चाय उठा लें। और ये है मेरी चाय, और अब यहाँ पर बैठते हैं साथ चाय पीते हैं, और ये मेरी चाय यहाँ बैठ के पियेंगे विद फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं आपकी टीचर, कैसी हो टीचर? टीचर यहाँ पर देखें गाइस मल्टी टैलेंटेड है, यहाँ पर कुकिंग भी कर रही है, चाय बना रही है, मेरे ख्याल से वही कुकिंग कर रही है, चाय बना रही है और इसके साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा रही है। और कैसे हो अभी आप मिले थे वैसे? अस्सलाम वालेकुम, ये न्यू स्टूडेंट है? न्यू पेपरों के ड्यूरिंग आया है, तो मतलब के अभी इसके पेपर चल रहे हैं। कौन सी क्लास के पेपर दे रहे हो? फोर। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, अदनान के पेपर हो रहे हैं? अदनान कौन सी क्लास में हो? वन। आप भी पेपर हो रहे हैं? चलो चलो पढ़ो पढ़ो। अच्छा जी
आपकी जो है ना एक और स्टूडेंट आई है। कौन? अभी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करवा दो, सब तैयारी कर ली, इंग्लिश कर लिए, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर सब कुछ करवा दिए, सिर्फ मैथ्स में इसको समझाना है। मैथ्स नहीं आता कि हेल्प आउट कर दो, मंडे को पेपर है, कल करा दो, आज बच्चों को पढ़ा। हाँ आज पढ़ा दो, कल संडे ना, कल करा देना, सही है, दिन के टाइम सारा दिन फ्री होंगे ना तो फिर समझ भी आ जाएगा मैथ है ना। ठीक है, डन। हाँ मुझे शर्म आ रही है। चलें जी, आप जिन्होंने टेस्ट क्लियर करवाए, मंडे को टेस्ट है, सही है। क्या नाम दो? मैं आपको जो है ना ट्रीट दूंगा, ठीक है? ओके ओके। यहाँ पर कितना प्यारा सा आई लव कराची लिखा हुआ है, बीच में प्यारा सा दिल बनाया हुआ है आई के बाद। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर हम हर संडे क्रिकेट खेला करते थे, और रमज़ान आने वाले हैं तो फिर जो है ना यहाँ पर इंशाल्लाह रमज़ान में क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर आए हैं वॉक करने, और मेरे साथ हैं फातिमा, और फातिमा के साथ जो ना इसका है न्यू फ्रेंड। वाह फातिमा, तुम्हारी तो इसके साथ दोस्ती होगी। हाँ, ये भी खा रहा। अच्छा देखा, हेलो, देखो कितना क्यूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नहीं रो रहा? नहीं अब नहीं रो रहा, पहले रो रहा था ना। मेरी दोस्ती बन गई है, खुद भाग के आया है। अच्छा खुद भाग के आया जी, क्या बात है भाई, मैंने बुलाया नहीं आया फिर खुद भाग के आया। अच्छा वैसे जो मेरे से भी दोस्ती ना इसकी काफ़ी टाइम बाद हुई है, अब मेरे पास आता है, पहले नहीं आता था, लेकिन आपके पास बहुत जल्द आ गया ये माशाल्लाह। मेरे पास आया बच्चा ही जल्दी आ। हाँ तो गाइस ये जो बच्चा है ना क्यूट सा, ये शानी बाजी की सिस्टर का बेटा है, इनकी अम्मी शानी बाजी की सिस्टर है सगी। आपको मालूम थी ये बात? नहीं नहीं मालूम थी। चलो अभी पता चल गई ना, ये शानी बाजी है ना, उनके सिस्टर का बेटा है। इसमें आपके फ्रेंड का जूस भी है, जूस भी दे दो। नहीं अभी एक चीज तो खाए, जूस भी पिलाओ ना, उसको प्यास लगी होगी, उसने वॉक की है इतने सारे। जूस भी दो ना, ये जूस भी दो ना, इसने वॉक की इतनी सारी, इसने वॉक की है। वो भी तो वॉक कर रहा है। या लग रहा, हम भी चल रहे, ये भी चल रहे। नहीं ये चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है? अच्छा ये तो इतना छोटा सा दोस्त है यार। अच्छा सॉरी मैंने दिखाना भूल गया। चलो भाई अभी यहाँ पर ना वॉक करने आए थे, डेली जो है ना फातिमा के साथ मैं बाइक पे जाता था कहीं आगे पीछे, तो मैंने सोचा आज जो ना वॉक करने जाते हैं, पैदल जो ना घूमने निकल पड़ते हैं। अभी हम पैदल यहाँ पर वॉक भी कर रहे हैं और मस्ती मजाक भी कर रहे हैं, और फातिमा अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड भी कर रही है। ये चला जाएगा अंदर? हाँ जाएगा। जाओ इसे छोड़ के आओ। चलो भैया आपका घर आ गया। ले। अच्छा ये वापस रिटर्न कर रहे हैं। उसे खोल के दे दो, ओपन करके दे दो। मुझे पता है मेरा घर है। चलो भैया रुको, जाओ अंदर छोड़ के जाओ इसे। चलो इसको अंदर छोड़ के जाओ, ठीक है? चलो मैं ही वेट कर रहा हूँ, आप छोड़ के जाओ। ओके बाय 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 तो कर दो यार, बाय 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 बाय। चलो फातिमा मैं जा रहा हूँ जिम, सही है, और जिम से आते हुए ना मुझे एक चीज़ बता दो, लास्ट टाइम जब मैं फ्रेंड्स के साथ दावत पे गया था जी, उस दिन मैंने आपको बताया था मैंने शॉर्मा लिया था गिजरी स्टॉप से जी, वो आपका शॉर्मा कैसा लगा था? मुझे मालूम नहीं कहाँ से लिया था, जगह मैंने नहीं देखी, लेकिन आपने बताया था। वो शर्मा अच्छा था, या वो जो हमने बोर्ड बेसन के पास सिखाया था वो वाला अच्छा था? लास्ट टाइम जो आप लेके आए थे ना, जब आप फ्रेंड्स अपने फ्रेंड की दावत पर गए थे, हाँ वो वाला अच्छा था। वो वाला अच्छा था जी। चलो जी ये अच्छा हो गया, पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो रात के 2 बजे तक ओपन होता है, दूसरा वो नजदीक भी है। अब मैं जिम से आऊंगा ना थोड़ा लेट हो जाऊंगा। वो जो हमने लास्ट से लास्ट टाइम एक साथ जाके खाया था ना, वो बोर्ड बेसन पे था, वो दूर भी है और जल्दी ही बंद हो जाता है, और वो मीठा था। मीठा था ये वाला, मैंने थोड़ा पता नहीं क्यों कराची में ना हर चीज में मीठा डाल देते। हाँ वैसे एक बात सही कह रही है, यहाँ पर जो ना इतना स्पाइसी नहीं खाते लोग। अच्छा। हाँ बिरयानी में मसाला बहुत होता है, बिरयानी यहाँ की मजेदार होती है। हाँ बिरयानी यहाँ की मुझे लगता है मशहूर है, बिरयानी अच्छी होती है। वाह जी मेरा बैग जो ना नया कैसे हो गया जी, ओए होए होए होए, ये तो फुल ब्रांड न्यू बैग बन गया। इसको वॉश किया ना जी? हाँ इसको वॉश किया ना। अच्छा लास्ट टाइम जो ना गाइस मैं ना ये बैग निकाल के जा रहा था, और इसने जो ना रोक दिया था, मुझे कहा था कि ये बैग मत लेके जाओ, लेकिन फिर भी मैंने जो ना फोर्स किया मैं लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिम का बैग सिर्फ मेरे पास एक ही है। तो भाई आज आया हूँ तो ये वॉश करके ना बिल्कुल न्यू कर दिया। वाह भाई इस चीज़ पे ना मैं आपके लिए शॉर्मा के साथ जो है ना, शॉर्मा के साथ एक और शॉर्मा, दो शॉर्मा लेके आऊँगा इस बात पे। एक बात सही बताऊँ गाइस, एक बात मैं सही बताऊँ, जब मैंने लिया था ना ये बैग,
तो उतना ये साफ नहीं था जितना अब साफ हुआ है वॉश करने के बाद। बाहर कंट्रीज से आते हैं बैग्स और यहाँ पर ना पठान की दुकान से मिल जाते हैं, तो जब मैंने लिया था इतना नया नहीं था जितना अब नया लग रहा है। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, ये तब हाँ क्योंकि ये बैग जो ना बाहर से आते हैं, बाहर क्योंकि पठान की शॉप से ना अक्सर यूज चीज मिलती है। अच्छा, हाँ फर्स्ट टाइम ये भी सुन रहे हैं। हाँ यूज चीज मिलती है ना। अच्छा। एक और मार्केट है भाड़ा मार्केट के नाम से, लास्ट टाइम गए थे ना, तो वहाँ से ना अक्सर चीजें ना यूज मिलती है। अच्छा, यहाँ पर कोई चोर बाजार भी है? चोर बाजार है वो बहुत दूर है। मैंने अक्सर मतलब के स्कूल जाती थी ना, हाँ। तो मेरे फ्रेंड्स जो है ना छुट्टियों में आती थी कराची घूमने। अच्छा, तो उनके रिश्तेदार यहीं पर थे। हाँ, चोर बाजार है, मैंने सुना है, मैंने भी। जैसे मेरी फूफो का घर है ना यहाँ पर, हाँ। मतलब की था तो वैसे उनके भी मतलब रिश्तेदार थे, वो हम हमेशा जो है छुट्टियों से मतलब के एक दो दिन पहले घूमते। अच्छा, वो स्पेशली चोर बाजार के लिए आते थे? नहीं, वो कहते थे कि ना हम वहाँ जाते थे जहाँ पर मशहूर जगह होती थी। तो मैंने कहा मुझे बताओ कौन सी मशहूर जगह है। मैंने कहा कि वो चीजें बताओ, मतलब बुक्स में बहुत सारी चीजों का बताया गया, लेकिन मैंने कहा जो बुक्स के अलावा हो। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि बताते गए कि चोर बाजार भी है, ये वाली है और मार्केट भी है कोई मशहूर यहाँ पर। बहुत सारी मार्केट है, कोई मतलब की बहुत ज्यादा बोल्टन मार्केट मशहूर है यहाँ पे, बोल्टन मार्केट है और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो जब उन्होंने मुझे चोर बाजार का कहा ना, तो मुझे बहुत हंसी आई। हाँ, वैसे चोर बाजार है यहाँ पर बहुत फेमस है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर है कि वो चोर बाजार है ना, इसलिए वो इसी जगह पे कि फेमस है, लेकिन गैस वो चोर बाजार है इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। अच्छा। लेकिन फेमस काफी है। तो खैर गैस, अभी जल्दी से बैग पैक करते हैं, फिर जिम के लिए निकलते हैं और मिलते हैं आप सबसे गैस कुछ ही देर बाद। चलो अम्मी, आज आपका बेटा जो ना जिम जा रहा है। अम्मी कह रही थैंक यू, शादी के बाद दूसरी मरतबा जिम जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है जिम जाने के लिए। तो वैसे भी तो छठे फ्लोर पे चढ़ते उतरते हो। ये आपने लास्ट टाइम भी कहा था। अम्मी ने लास्ट टाइम। मुझे तो ये भी काफी लगता है तेरे लिए। हाँ, वैसे मैं एक बार नहीं गैस बहुत मरतबा उतरता हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं जानबूझ के करता हूँ। अच्छी बात, एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मैं जब जिम नहीं जा पाता ना तो मैं जानबूझ के ऊपर नीचे ना ज्यादा आता रहता हूँ। हाँ, आप अभी दुआएं दें, मैं आऊंगा तो आप सो ही होंगी। ठीक है, ओके। सुबह तो मेरी छुट्टी है। आपकी छुट्टी है, मेरी तो छुट्टी नहीं है ना, मैं तो चले जाऊंगा ना सुबह। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहाँ पाँव है जिधर पैर भी उधर खैर हो, जिधर हाथ हो उधर लाख हो। ये अम्मी ना हमारी जबान में कहती हैं, जब भी दुआएं देती है ना तो ये कहती है अम्मी, जितना पैर होवे उतना खैर होवे, जिधे जितना हाथ होवे उतना लक होवे। देखें गाइस, ये मुझे भी याद होगी, करके बैठे हुए कि मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे, ये भी मेरी छोटी सी बच्ची है। अम्मी एक चीज ना आपको कल पता चलेगी। क्या? एक चीज आपको कल पता चलेगी। किस चीज का? वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको कल पता चल जाएगी। अच्छा। आज ये ना बहुत मिस कर रही थी किसी को। किसको? बस वो आप कल। मैं मिस कर रही थी। मैं हाँ, तो किसी को किसी को नहीं बताया था, वो तो मैंने जाके छापा मारा। वो तो आज मैं ऑफिस से आया ना तो ये रूम में नहीं थी, फिर मैं डायरेक्ट इसके पीछे भागा। फिर जो है ना आपको कल, बस अभी नहीं बताऊंगा, कल पता चलेगा। कुछ नहीं अम्मी। अच्छा, छोटी सी बच्ची। अभी लगे हैं जिम से निकलने, एक्सरसाइज करने के बाद। किचन में। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज? चावल बॉईल कर रही। चावल बॉईल कर रही। वाइट चावल बना रही हैं? और आज आपने सालन बनाया है, किस चीज़ का बनाया है? आपने मंगवाया था ना? जी, आज आंटी भी आई हुई थी तो मैंने सोचा कि आज हम कलेजी बनाते हैं। और आपको पता है कि कलेजी मैं रख के कहाँ गई थी? मैं गई थी, पहले गई हूँ आपकी फौजिया के घर गई हूँ, उसके बाद आपकी खाला के घर गई हूँ और उसके बाद मैं वॉक करने गई हूँ। आप अपनी कुकिंग करें, मेरी हेल्प चाहिए थोड़ी बहुत ही। बस चावल बॉईल कर रही हैं या फिर कुछ और इसमें ऐड कर रही हैं? चलें ठीक है, और मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। सालन तो देखें, आप चेक करके बताना कैसे सालन। माशाल्लाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोटी बनाते हैं, खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलिए अभी बर्तन वॉश करते हैं। तो अभी मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं,
तो अभी गूंथते हैं आटा और फिर रोटी बनाते हैं अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी चावल नहीं खा। अभी मैंने आटा गूंथ लिया तो अभी 2 मिनट तक रोटी बनाते हैं अम्मी के लिए। अभी मैंने अम्मी के लिए रोटी बना ली है, सालन भी ले लिया, तो अभी चल के देते हैं अम्मी को। ये नहीं अम्मी आपका खाना, और अम्मी का मैंने गुड़ और घी गरम किया था, वो भी अम्मी दे के आ गई। तो बाकी आटा रखते हैं फ्रिज में, थोड़े से बर्तन हैं तो ये भी वॉश कर लेते हैं। जी अभी घर पहुंचा हूँ मैं, लेट तो नहीं किया मैंने? नहीं जल्दी आ गए। ज्यादा लेट नहीं किया ना? नहीं, आप टाइम बता के गए तो। अम्मी कॉल आई थी, आप डरी हुई हैं? हम भाई, अम्मी ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। बोला भाई उनकी लाइट मैं बंद करके गई थी उनके रूम में, और मैं रूम में बैठी थी तो रूम की लाइट बंद करके मैं अम्मी के लिए खाना लेने गई थी। हाँ। तो दरवाजा मैंने बंद कर दिया था, तो भाई मैंने इतना डरा दिया कि मैं दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, अम्मी कह रही थी कि भाई ये तो दरवाजा खोल के अंदर नहीं बैठी, ये डर गई है। मैंने बोला पता नहीं क्यों डर गई, अब तो सही थी। बोला मजाक कर रहे थे भाई आमिर। भाई आमिर ये भी कह रहे थे कि रात के 12 बजे जो है ना, 12 बजे के बाद जो है ना भूत आते हैं। कहाँ आते हैं? लोकेशन नहीं बताइए, कहाँ आते हैं, किस जगह पे आते हैं? छत पे आते हैं। छत पे? अब भाई आमिर खुद कहें छत पे। टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं, 12 से ज्यादा टाइम हो रहा है ना, लेकिन वो तीसरी बार जा रहे हैं। वो मजाक कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। किस शोर में लाया हूं? एक नहीं 2 लाया हूं मैं आज, ठीक है? अब ये खाओ, इससे जो ना भूत करीब नहीं आता, ये आप खा लो। ये 2 लाए हैं, क्या पता एक भूत आके ले जाए। नहीं नहीं चलो भाई, मैं बैठे ना आपके लिए पानी लेके आते हैं। हाँ पानी और खाना एक साथ लेके आओ, ठीक है? साथ ही खाते हैं, मैंने नहीं खाया। चलें जी अभी काफ़ी थका भी हूँ, और अभी डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाऊँगा, और यहीं करते हैं आज का व्लॉग एंड। और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।